वरहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे, अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में बेहतरीन ज़बरदस्त सी लजीज डिश लेके आए हैं। आप सबकी फेवरेट डिश है ये, सबको बेहद पसंद आएंगी ये डिश। इसके इंग्रेडिएंट्स है ये सारे, जवारी की रोटी, फली और मिर्ची का ठेचा और फली की बुकनी, लहसुन और फली की बुकनी बनेंगे अपन आज। उसके लिए सबसे पहले मैं जवारी का आटा ले ली, 1 कप जवारी का आटा है, इसमें तकरीबन अपने 3 से 4 रोटी बन के रेडी हो जाएंगे जवारी के आटे में। और ये मिर्ची है, आप अपने हिसाब से लीजिए, मैं तकरीबन 10 से 12 मिर्ची ले ली है, हरी मिर्ची है अपने, हरी मिर्ची बाज़ार में जो मिलती है वो हरी मिर्ची है। मूंगफली है ये, तकरीबन 1 कप मूंगफली है। चलिए अपन बनाना स्टार्ट करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट एक के बाद बताऊंगी मैं आपको, ज़रूर स्किप मत करिए, पूरे रेसिपी ज़रूर देखिए, ज़रा भी स्किप मत करिए वीडियो को। चलिए सबसे पहले एक फ्राई पैन ले ली मैं, इसमें थोड़ा सर का तेल ऐड कर देंगे अपन, तकरीबन 2 से 3 चम्मच खाली तेल है ये, मीठा तेल, ज़्यादा नहीं डालना तेल। 2 टीस्पून 2 चम्मच ज़ीरा है ये, साबित ज़ीरा 2 चम्मच है ये। थोड़ा सर का लाइट भून लिए अपन ज़ीरे को, इसके साथ ही हरी मिर्ची ऐड कर लिए, हरी मिर्ची और ज़ीरे को अच्छी तरह से भून लेंगे अपन। फली को भी डाल देंगे अपन, 1 कप फली है ये, फली को भी साथ ही डाल देंगे अपन इसमें, इसको भी अच्छी तरह से साथ ही भुनेंगे, साथ ही भुने तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। साथ ही अपन इसमें लहसुन डाल देंगे, लहसुन की पोती है 10 से 12 लहसुन की पोती है ये, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें, अच्छी तरह से भून लेंगे इसको, गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे इसका, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। और बहुत मीडियम आंच पे कर रही हूँ मैं इसको, बहुत मीडियम आंच पे भून रही हूँ इसको, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया इसका। चलिए अब गैस ऑफ कर देंगे अपन, इसको निकाल लेंगे अपन। चलिए एक मिक्सी जार ले ली मैं, इसमें पूरा अपन ऐड कर देंगे और अच्छा ठंडा करके डालना है। थोड़ा सर का नमक ऐड कर देंगे इसमें, आप मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ तकरीबन, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़रा भी पानी नहीं डालेंगे इसको, मोट दरदरा सा, ज़रा दरदरा सा पीसेंगे खाली इसको अपन। चलिए देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा बना, देखिए मैं ज़्यादा बारीक नहीं करी और ज़रा भी पानी नहीं है, ये दरदरा सा है ये बहुत। चलिए इसको एक निकाल देंगे, देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त जवारी की रोटी, और ये पूछे हो ये मत, क्या ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। चलिए देख सकते हैं अपना ठेचा बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट अपन फली की बुकनी बनाएंगे, पाउडर जो आता फली और लहसुन का पाउडर बना लेंगे नेक्स्ट। चलिए फ्राई पैन रख ली मैं, गैस ऑन कर दी मैं, सबसे पहले अपन 1 कप फली डाल देंगे अपन, 1 कप फली है ये, फली को अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे फली को। चलिए देखिए फली अपनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो रही फली, साथ ही अपन 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, साबित ज़ीरा, इसको भी साथ ही भून लेंगे अपन फली के साथ ही। थोड़ा फली को भून ली मैं, उसके बाद ज़ीरा डाल के ज़ीरे को भी भून ले रही मैं। साथ ही अपन लहसुन डाल देंगे, 8 से 10 लहसुन की पोती है ये, लहसुन से टेस्ट बहुत अच्छा आता, इसको भी भून लेंगे इसके साथ ही। चलिए गैस ऑफ कर दे रही मैं, अच्छी तरह से भुने गए, ज़रा ठंडा कर लेंगे अपन इसको। चलिए मिक्सी जार ले ली मैं, मिक्सी जार में डाल देंगे फली और लहसुन ज़ीरा भुना हुआ,
साथ ही थोड़ा नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें, तकरीबन एक चम्मच ये लाल मिर्ची का पाउडर है इसमें ही डाल देंगे अपन। इसका ढक्कन लगा देंगे, इसको ग्राइंड करके बताऊंगी पाउडर बना के। चलिए देखिए कितना माशाल्लाह अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया, देखिए कितना मोटा मोटा पीसी मैं इसको, पाउडर पूरा मोटा मोटा है देखिए। चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेंगे अपन इसको, चलिए इसको निकाल लेंगे पाउडर को ये पूरा, देखिए कितना दरदरा सा पीसी मैं इसको। चलिए अपने फल्ली की बुकनी भी रेडी है अपनी, हरी मिर्ची का ठेचा भी रेडी है अपना। चलिए नेक्स्ट अपन जवारी का आटा भिगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं जवारी का आटा भिगा लेंगे, इसमें मैं गर्म पानी ये अच्छा गर्म करी, देखिए भापा निकल रहा है पानी में से, ये अच्छी तरह से गर्म करके रखी पानी। ये तकरीबन 1 कप जवारी का आटा है, ये ज़्यादा बारीक है ये आटा, अच्छा देखिए कितना अच्छा बारीक है। और जो बहुत मोटा आटा रहता नहीं, दरदरा सा पिसावा आटा रहता देखिए, उसको अपन क्या करना, अच्छा खोलते हुए पानी में ही भिगाना आटा, तो अच्छा चिकट होता आटा। चलिए इसमें नमक डाल दे रही हूँ मैं, ज़्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि जवारी के आटे में पहले से नमक रहता। चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर ली मैं नमक को, थोड़ा सा का चुटकी भर नमक डाली मैं इसमें, गर्म पानी है देखिए, थोड़ा थोड़ा डाल के भिगा लेंगे आटा गर्म पानी से, अच्छा चिकट बनता है ये आटा। जितना अच्छा चिकट आटा अपना बन के रेडी होगा, उतनी अच्छी रोटी अपनी तड़कती नहीं, अच्छी बन के रेडी होती रोटी अपनी। आटा अच्छा भिगना, स्किप मत करिए देखिए वीडियो, स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिए वीडियो को, बहुत अच्छे बन के रेडी होती, बहुत अच्छे डिश लेके आई मैं आज। अच्छा भिगाना आटा ऐसा करके आटे को, ताकि चिकट पनाए जैसा आटे में, ऐसा ऐसा करना आटे को, ऐसा ऐसा करके भिगाने से आटे में चिकट पनाता। देखिए आप मैं कैसा भिगा रही, हथेली की मदद से ऐसा ऐसा करना है ये आटे को, बहुत अच्छा गुने जाता आटा अपना देखिए। जितना अच्छा आटा गुनने में कमाल है देखिए, आटा जितना अच्छा गुने जाएगा अपना रोटी अपनी उतनी अच्छी बन के रेडी होती है रोटी। आज मैं 2 तरह से बनाऊंगी जवारी की रोटी, एक बेल के भी बताऊंगी मैं, दूसरा अपन हाथ से जो थपकते रोटी को वैसे ही भी बताऊंगी मैं, 2 तरीके से बताऊंगी रोटी को मैं। चलिए देखिए कितना अच्छा चिकट बना देखिए आटा अपना, देखिए गेहूँ के आटे के जैसे रेडी हो गया ये आटा अपना, देखिए कितना अच्छा भिग गया आटा अपना सफाई से। चलिए मैं गिरदा रख ली देखिए, ये पेड़े में बना ली थी। सबसे पहले मैं थपक के बताऊंगी अपन जवारी की रोटी जैसा डालते नॉर्मल वैसा बताऊंगी मैं, पेड़ा ले ली देखिए, अच्छी तरह से इसको गोल कर लेंगे पेड़े को, बहुत इजी है बनाना ये जवारी की रोटी। बहुत जने बोलते हैं अम्मा जवारी की रोटी बहुत हार्ड रहती, कुछ भी हार्ड नहीं रहती। सबसे पहले अपन नीचे अच्छी खुश्की लगा लेंगे, खुश्की से थपकने अच्छा आसानी से आता, पहले हल्लू हल्लू ऐसा कर लेंगे रोटी को। चलिए हाथ से ही ऐसा हल्लू हल्लू, एक हथेली एक हाथ से ऐसा फोल्ड करते जाएंगे, एक हाथ से ऐसा करेंगे अपन हाथ से ही, ज़रा भी तड़कती नहीं देखिए रोटी, बहुत इजी है। देखिए कितना अच्छी तरह से बन के रेडी हो रही रोटी अपनी, सब तिराक आया तो अपन ऐसा कर लेंगे,
चलिए बन के रेडी हो गई। देखिए रोटी अपनी कितनी गोल बनी, देखिए रोटी जरी भी टूटी नहीं तड़खी नहीं। चलिए आहिस्तगी से ऐसी ही निकाल के अपन इसको तवे पे डालेंगे, तवा गरम करने के लिए रख दी मैं पहले से। चलिए अपनी रोटी बन के रेडी हो गई। अपन एक छुरी की मदद से पहले अच्छी तरह से नीचे से ऐसा चिपक गई तो ऐसा निकल जाती इजी। देखिए जरी भी रोटी अपनी नहीं चिपकी, पूरा चारों तरफ से मैं फिरा के देख ली, देखिए अच्छी तरह से छुरी की मदद से। अब इसको रोटी को ज़रा सामने करेंगे अपन, आहिस्तगी से दोनों हाथ से पलटेंगे अपन रोटी को कभी भी आहिस्तगी से। चलिए देख सकते हैं तवा अच्छा गर्म हो गया था, मैं रोटी डाली और रोटी कभी भी अपन नहीं, अपन जहाँ थपकते वो हिस्सा नहीं डालना, नीचे का खुश्की का नीचे हिस्सा ऊपर डालना ताकि अपन ये पानी लगा सकते, और पानी भी ज़्यादा नहीं लगाना तो रोटी अपनी काली हो जाती ज़्यादा पानी लगाने से। चारों तरफ से लगा लेंगे, ज़रा भी ऐसा नहीं दिखना सूखा। बहुत अच्छी पतले अच्छे बन के रेडी होते हैं और बहुत हेल्थी है ये जवाई की रोटी। जिसको भी खाना है और जो डाइट पे है उन्हें बहुत ज़रूर ट्राई करिए, रोटी को बहुत इजी है डालना। चलिए अपन चारों तरफ से पानी लगा लिए, इसको अच्छा सेक लेंगे अपन। चलिए अपन रोटी देखिए बबल्स आ रहे अच्छे खासे, अपन रोटी को पलटा लेंगे और आहिस्तगी से पलटेंगे बहुत ताकि टूटे नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के रेडी हो रही, देखिए रोटी अपनी जवारी की रोटी। अब इसको अपन अच्छा सेकेंगे इसको। चलिए अब इसको पलटा लेंगे अपन अच्छी तरह से, देखिए ज़रा भी टूटी नहीं है रोटी, कितनी अच्छी बन के रोटी रेडी हुई जवारी की रोटी अपनी। ऐसे तरीके से पलटा लेंगे, ओफो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलिए अब अच्छा सेकेंगे इसको, देखिए कितना अच्छा साइडों से पूरी फूल रही, देखिए अपनी रोटी देखिए। अब इसको सेकेंगे अपन, कपड़े की मदद से सेकना है इसको, कपड़े से अच्छा सेक जाती रोटी है, जरी भी कच्ची नहीं रहना रोटी है। देखिए कितना अच्छा फूल रही, देखिए फुलकों की जैसा रोटी अपनी। चलिए फिर पलटा लेंगे इसको एक तरफ, माशाल्लाह देखिए रोटी अपनी बन के रेडी हो गई। चलिए अब इसको निकालेंगे, नेक्स्ट भी अपन ऐसी ही बना लेंगे रोटी जवारी की। कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बोलिए रोटी अपनी जवारी की रोटी। जिस जिसको नहीं आती प्लीज़ कमेंट करके बोलिए कैसी बनी मेरी रोटी जवारी की। अच्छा सेकना है इसको नीचे से, देखिए। चलिए अब इसको देखिए पूरा फुलका दिख रहा, देखिए आप। चलिए इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे अपन अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट एक पेड़ा ले ली मैं, इसको अच्छी तरह से फिर एक बार से गुन ली मैं। जितना अच्छा गुनेंगे आप आटे को उतना अच्छा अपनी रोटी बन के रेडी होती। अब मैं इसको अब गेहूँ के रोटी के जैसा बेलूँगी इसको मैं, खुश्की डाल देंगे इसको थोड़ा सर का ऐसा हाथ से कर लेंगे। थोड़ी ऊपर से भी डालेंगे खुश्की जरी सर के, ऐसे तरीके से बेलन से बेलेंगे। देखिए कितना अच्छा बेले जा रही, खुश्की नीचे अच्छी डालना बेलने के लिए। देखिए गोल राउंड हो रही, देखिए अच्छी तरह से माशाल्लाह से देख सकते हैं अच्छी तरह से रोटी अपनी बेल गई, कहीं से भी टूटी नहीं। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से अपनी रोटी बेली गई और हिर्री भी देखिए अच्छी तरह से, देखिए हिर्री भी रोटी। अब इसको आहिस्तगी से अपन ऐसा हाथ से ही ऐसा ले लेके ऐसा डाल देंगे। चलिए चलिए बेले से भी रोटी अपनी रेडी है,
माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा राउंड बेले गई अपनी रोटी, कहीं से भी टूटी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी तरह से बेले गई। इसको ये पानी आहिस्तगी से ऐसा राउंड से पानी डाल देंगे अपन इसको भी। बेलना भी पता ही मैं आपको, थपकना भी पता ही रोटी को, कितना अच्छा बन के रेडी हुए अपने जवारी की रोटियाँ। ज़रूर ट्राई करिए घर पे ये रेसिपी को। चलिए इसको सेक लेंगे अपन रोटी को अच्छी तरह से। चलिए अब इसको पलटा लेंगे अपन आहिस्तगी से। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त अपने जवारी की रोटी बन के रेडी हुई, देखिए। चलिए इसको पलटा लेंगे अपन आहिस्तगी से, कपड़े से सेक लेंगे इसको। देखिए कितना अच्छा फूल रही है अपनी रोटी। चलिए अपनी रोटी, ये भी रोटी बन के रेडी हो गए। चलिए अब सर्व करके बताऊंगी मैं। चलिए माशाल्लाह से अपन सर्व कर लेंगे। ये अपन हरी मिर्ची का ठेचा बनाए सो है ये, इसको भी एक बॉल में निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये फल्ली की बुकनी है, नेक्स्ट अपन अचार डाल देंगे इसमें। चलिए देख सकते हैं माशाल्लाह अपने रोटी पूरे बन के रेडी है, कितने नरम बने देखिए रोटी अपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त रोटी बन के रेडी हो गई। देखिए कितनी नरम है, कितनी नरम है, देखिए नरम है, देखिए आप रोटी बहुत अच्छे बन के रेडी हुई अपनी रोटी माशाल्लाह से। अब इसके साथ नींबू रखी मैं, प्याज रखी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह एक रोटी तोड़ के बताऊंगी मैं, मुँह में पानी आ रहा ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए पूरा मुँह का मज़ा खुल गया, बहुत मज़े का, बहुत लजीज, बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया। फल्ली की बुकनी भी बहुत टेस्टी है। बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई अपनी डिश माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लजीज, बहुत चटपटा, एकदम मुँह का मज़ा खुल जा रहा, बहुत अच्छा बन के रेडी हुई अपनी आज की डिश। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जवारी की रोटी आपको पसंद आई, कैसा बनाई और आपको समझ में आई नहीं आई, सब कमेंट करके ज़रूर बोलिए मेरी रेसिपी कैसी बनी। ज़रूर ट्राई करिए रेसिपी को। चलिए नेक्स्ट डे रेसिपी लेके आऊँगी मैं। दुआ में याद रखिए, शब्बा खैर।